नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक कुल 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला हाईकोर्ट में है और इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणियां की। अभी वो कोई आदेश दे पाते उससे पहले ही उनका तबादला हो गया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम लोगों ने जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि सब नियमों के तहत हुआ है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है जस्टिस एस मुरलीधर, जिनके ट्रांसफर के बाद सरकार और विपक्षी दल आमने सामने आ गए हैं। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस एस मुरलीधर ने अपना करियर सितंबर 1984 में चेन्नई में बतौर वकील शुरू किया था। 3 साल बाद ही 1987 में वो दिल्ली आ गए और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। साल 2003 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और फिर हो गए डॉक्टर एस मुरलीधर। साल 2004 में डॉक्टर मुरलीधर ने लॉ पॉवर्टी एंड लीगल एड एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक किताब लिखी। वकालत इसके साथ ही चलती रही और फिर साल 2006 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया। तब से लेकर 26 फरवरी 2020 तक वो दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। अब उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। वकालत से शुरुआत कर जस्टिस की पोस्ट तक पहुंचने वाले डॉक्टर एस मुरलीधर ने वकालत के दौरान कई ऐसे मुकदमे लड़े जिन्होंने उन्हें खासी शोहरत दी। उदाहरण के तौर पर भोपाल की गैस त्रासदी आपको याद ही होगी, जिसमें करीब 15,000 लोग मारे गए थे। वकील रहे एस मुरलीधर ने बिना फीस लिए इस मुकदमे की पैरवी की थी। इसके अलावा नर्मदा नदी पर बांध बनने की वजह से जब हजारों लोगों को अपने गांव घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा तो एस मुरलीधर ने बिना किसी फीस के उनका केस लड़ा था। और जब वकील एस मुरलीधर जस्टिस एस मुरलीधर बन गए तो अपने फैसलों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। जिन सिख दंगों में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद मिली है, वो फैसला भी जस्टिस एस मुरलीधर की बेंच का ही था। उनके साथ इस बेंच में जस्टिस विनोद गोयल शामिल थे, जिनके फैसले ने सज्जन कुमार को सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये फैसला 17 दिसंबर 2018 को आया था। इसके अलावा हाशिमपुरा में हुए नरसंहार के मामले में उत्तर प्रदेश के पीएसी के 16 सिपाहियों की हत्या, किडनैपिंग, आपराधिक साजिश और सबूतों को मिटाने का दोषी पाया गया था। ये फैसला भी जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच का ही था। ये जस्टिस एस मुरलीधर ही थे जिन्होंने तब के दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस अजित प्रकाश शाह के साथ मिलकर फैसला दिया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। और अब 26 फरवरी को जब दिल्ली हिंसा की आग में झुलस रही थी, जस्टिस एस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कहा कि अब तक प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, हम एक और 184 नहीं चाहते। अभी 27 फरवरी को जस्टिस एस मुरलीधर की बेंच इस पर आगे की सुनवाई कर पाती, उससे पहले ही केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से उनके ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबडे की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। और फिर शुरू हो गई राजनीति। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर ट्रांसफर की टाइमिंग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लिखा कि बहादुर जज लोया को याद कर रहा हूं जिनका ट्रांसफर नहीं किया गया था। प्रियंका ने लिखा कि मौजूदा शासन को देखते हुए आधी रात में जज मुरलीधर का ट्रांसफर चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन यह दुखद और शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी प्रतिक्रिया देखी गई और फिर जवाब देने के लिए ट्विटर पर सामने आए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। लिखा कि भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी 2020 को ही जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की सिफारिश कर दी थी। जज के ट्रांसफर के वक्त जज से बात की जाती है और इसमें भी पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। यह एक रूटीन ट्रांसफर है जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जज का ट्रांसफर उस कॉलेजियम ने किया है जिसके जरिए जजों का ट्रांसफर और उनकी नियुक्ति की जाती है। विपक्ष का कहना है कि कॉलेजियम ने तो 12 फरवरी को सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 26 फरवरी की तारीख को तब नोटिफिकेशन जारी किया जब जज ने बीजेपी के नेताओं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ टिप्पणी की। सरकार के पास अपने तर्क हैं और विपक्ष के पास अपने। इस बीच दिल्ली में हुई हिंसा की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एकता की कहानियां, भाईचारे की कहानियां, इंसानियत की कहानियां और साथ ही हैवानियत की कहानियां। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।